जयपुर के नजदीक चोमू से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पैंथर का आतंक देखा जा रहा है और इस पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ है एक सीसीटीवी कैमरे में, जिसके बाद दहशत का माहौल है। मुख्य बाजार में पैंथर घूमता हुआ दिखाई दिया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे की, जहां पर पैंथर ने बछड़े का शिकार भी किया है। पैंथर के मूवमेंट से कस्बे में दहशत का माहौल है, जंगल छोड़कर शहर के इलाके में घुस आया है ये पैंथर और सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। वन विभाग की टीम को सूचित किया गया है और इस जीव को ढूंढने के तलाशने के प्रयास तेज हो गए हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, सुबह से ही इस पैंथर की तलाश की जा रही है और पैंथर को देखा गया है, उसकी मूवमेंट देखी गई है और साफ तौर पर आप देख सकते हैं शहर का इलाका है और रिहायशी इलाका है। हालांकि लोग रात की वजह से अंदर हैं अपने घरों में सोए हुए, लेकिन बाहर ये पैंथर घूमता दिखाई दिया है। और साथ ही साथ ये एक और बड़ी अपडेट है कि पैंथर इलाके में घूम रहा है, इस वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। स्कूल प्रशासन जो आसपास के स्कूल हैं उसमें स्कूल एक तरह से छुट्टी सा माहौल है, क्योंकि बच्चे डर की वजह से स्कूलों में नहीं गए। खबर यह है कि पूरे इलाके में डर का माहौल है, पैंथर के आतंक का डर है, कहीं पैंथर एक बार फिर से दिखाई ना दे इसका डर है और इसी को ढूंढने के प्रयास अभी फिलहाल तेज हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और ये फुटेज अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 11 तारीख और रात के करीब 12:30 बजे की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जब पैंथर बेधड़क सड़क पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। शटर बंद है, दुकानें बंद हैं, रात का समय है और पैंथर जंगल छोड़कर रिहायशी इलाके शहर में दाखिल हो गया है। अब ये कहां पर है पैंथर, इसे ढूंढने की कोशिश वन विभाग कर रहा है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है, ट्रैंकुलाइजर गन के साथ बताया जा रहा है टीम पहुंची हुई है। अब जैसे ही ये पैंथर दिखाई देगा उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और फिर इसे रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह एक बार फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बताया ये जा रहा है कि शहर में बारिश हो रही है और इस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन वन विभाग ने चला रखा है, इसे ढूंढने के प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहे हैं, उसमें काफी परेशानी आ रही है। तो अक्सर इस तरह की खबर सामने आती रही है कि पैंथर जंगल छोड़कर शहर में दाखिल होते हैं। ये ताजा समाचार जयपुर के नजदीक चोमू से मिल रहे हैं। चोमू कस्बे में पैंथर का आतंक इस वक्त बरकरार है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और यही इंतजार हो रहा है कि वन विभाग की टीम इसे फटाफट से तलाश ले, उसे अपने कब्जे में ले ले, तब जाकर कहीं ये खौफ ये डर खत्म होगा। लेकिन अभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों ने स्कूल से छुट्टी कर ली है, घरों में ही वो कैद हैं क्योंकि उन्हें डर है, खौफ है इस पैंथर का जो खुलेआम वहां पर घूम रहा है।